हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज 11 नवंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है गवर्नर कांट विद होल्ड री पास्ड बिल से सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है ये देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो गवर्नर है वो विद होल्ड नहीं कर सकता किसको, रीपास्ड बिल को। जैसे कोई भी बिल अगर उसे रीपास्ड कर दिया जाएगा तो गवर्नमेंट उसे नहीं विदहोल्ड कर सकता, ऐसा किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी, तो उन्होंने ये चीज़ कहा है। पूरी बातें यहाँ देखेंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे टुक नोट ऑफ द तमिलनाडु गवर्नमेंट आर्ग्यूमेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड गवर्नर आर एन रवि डिस्क्रिशन टू विदहोल्ड दी 10 बिल रीपास्ड बाई दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब क्या कहा जा रहा है कि वहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया और उन्होंने कहा जो गवर्नर हैं आर एन रवि, जो कि डिस्क्रिशन है टू विदहोल्ड 10 बिल्स जो रीपास किए गए थे, उसको वो क्या नहीं कर सकते, विदहोल्ड करने के, मतलब इसी से रिलेटेड यहाँ पे है। तो ये वाई लाइन हमारी जो टाइटल ही है वही मेजर पॉइंट है कि गवर्नर जो है विदहोल्ड नहीं कर सकता रीपास बिल को। वंस दे हैव बिन रीपास दिस बिल आर पुट इन द सेम फूटिंग एज मनी बिल। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, यहाँ से लाइन याद रखनी है आपको कि अगर ये बिल जो रीपास्ट हो गया तो बिल सेम हो जाएगा मनी बिल की तरह। ओके, कैन नॉट रिजेक्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ हेडिंग अ 3-judge bench रिमार्क। तो ये याद रखना। द कोर्ट वॉज रिएक्टिंग टू आर्ग्यूमेंट रेज बाई स्टेट रिप्रेजेंटेड बाई द सीनियर एडवोकेट। तो ये सारी चीज़ें हैं, वही उसी के बारे में पूरा यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। अब यहाँ पर देखो डी वाई चंद्रचूड़ जो हमारी चीफ जस्टिस हैं उन्होंने क्या कहा है, दिस बिल हैव बीन पेंडिंग सिंस जनवरी 2020 से ये बिल पेंडिंग था। द गवर्नर टुक एक्शन ओनली आफ्टर वी इशूड नोटिस इन द मैटर। बोले गवर्नर ने तभी एक्शन लिया जब इशू किया गया उसको नोटिस। वाई शुड गवर्नर वॉन्ट पार्टीज टू मूव द सुप्रीम कोर्ट टू स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स। तो ये है सुप्रीम कोर्ट सीक्स केरला गवर्नमेंट रिप्लाई। तो ये सारी चीज़ें, मतलब बस आपको यहाँ से ये चीज़ जाननी है कि गवर्नर जो है वो विद होल्ड नहीं कर सकता रीपास्ड बिल को, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दूसरा हमारा यहाँ से क्या है, पहला तो हमने यहाँ से ये देखा ना इम्पॉर्टेंट, दूसरा यहाँ पे है चाइना इज़ द बिगेस्ट सिक्योरिटी एंजाइटी फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अब ये आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी जीएस पेपर टू का है। ठीक है, जिसको सिलेबस तैयार होगा, मैंने आपको एक चीज़ याद होगी आपको कि मैंने बुक रिसोर्सेज बताए हुए हैं और सी सैट के वीडियोस डेली अपलोड हो रहे हैं, आप उसको जाओ देखो, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ, क्योंकि आप बहुत सारे टॉपर्स इंटरव्यू देखा होगा और बहुत सारी चीज़ों का सी सैट में लोग क्या करते हैं, रह जाते हैं अगर वो जी एस पेपर में भी अच्छा करते हैं तो। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो सी सैट हमें जो सर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है, ठीक है, मैथ्स और उन की रीजनिंग ये सब बहुत अच्छी है, उन्होंने अच्छे परसेंटेज से अपनी इंजीनियरिंग भी निकाली है और एक मल्टीनेशनल में वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो ये आपके लिए अच्छा है कि कोई जिसको नॉलेज है वो आपको सी सैट पढ़ा रहा है, तो आप अच्छे से वो वीडियोज़ देखो, आप पे सजेशंस दो, आगे क्वेश्चन जो पूछने हो आप सर से पूछ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अब यहाँ नेक्स्ट हमारा है चाइना इज़ द बिगेस्ट सिक्योरिटी एंजाइटी फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। क्या देखना है यहाँ पे, फॉर बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया चाइना इज़ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बात करी जाए या इंडिया की, चाइना जो है एक बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एंड चाइना इज़ आवर बिगेस्ट सिक्योरिटी एंजाइटी। और हमारी बिगेस्ट सिक्योरिटी एंजाइटी भी कौन है, चाइना है, ऐसा कहा है सेड ऑस्ट्रेलिया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड माल्स। ठीक है, जो कि आई थिंक यही आए हुए थे इंडिया में अभी, आपने देखा होगा वर्ल्ड कप के टाइम पे, हालांकि हार्ड लक इंडिया नहीं जीत पाई, पर होप फॉर द बेस्ट जब बाद में हो हमारा नेक्स्ट, जब पहुँचे इंडिया वर्ल्ड कप में और जीते, चलिए देखते हैं आगे। ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं पेनी वोंग, उन्होंने कहा दिस इज़ अ पार्टनरशिप विच इज़ कंसिक्वेंशियल फॉर अस। ठीक है, ऐसा ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, बट इट इज़ क्रूशियल फॉर आवर रीज़न, कि ये क्रूशियल है अपने रीज़न के लिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से देयर इज़ अ कंसेंसस ऑन बोथ दी साइड दैट दी स्ट्रॉन्ग इंडिया ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप विल ऑगर विल नॉट जस्ट दी यूजुअल बेनिफिट्स ऑफ बोथ आवर कंट्रीज बट ऑल्सो फॉर दी ओवरऑल पीस सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडो पैसिफिक। तो ये है दो हमारा
जो दोनों के दोनों यहाँ से इम्पॉर्टेंट निकल के आ गए। नेक्स्ट देखेंगे हम और कौन सा पढ़ना है। मार्क पहले ऑलरेडी मैंने कर लिया है जिससे हमको ईजी हो जाए पढ़ने में और कम टाइम में हम अपने वीडियो को कम्प्लीट कर सकें, ये हम आगे से भी करेंगे। देखो, मेकिंग सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट चैलेंज, इसमें क्या कहा जा रहा है। बाई प्रपोजिंग दैट इंडिया वर्क लॉन्गर टू अचीव अ लार्ज नेशनल आउटपुट एन आर नारायण मूर्ति, ठीक है, द फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, इन्फोसिस सबको पता है, ठीक है, इज इशूड समथिंग अकिन टू चैलेंज टू हिज पेरियड द पर्टिकुलर ही अपोज 70 आवर वर्क वीक। अब आपको पता है 70 आवर वर्क वीक की बात हो रही है कि 70 आवर्स काम करना और क्या है क्या नहीं, वो चीज़ें चल रही हैं, इस पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। फिर क्या कहा जा रहा है, टू स्ट्रेंथनिंग हिज केस ही पॉइंटेड टू द एक्सपीरियंस ऑफ जापान एंड जर्मनी। अब वो अपने बात को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने जापान और जर्मनी का एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने क्या कहा, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, व्हेन सिटीजन वर्क लॉन्गर आर देन वी डू एन एवरेज इन इंडिया टूडे, कि वो वर्क आर करते थे और हम उतना एवरेज अभी करते हैं। इट इज़ इंडीड करेक्ट दैट दीज कंट्रीज हैड अ मिराकुलस राइज इन 1950, कि उनका ज़्यादा ग्रोथ हुई, बट इन द कंपैरिजन वैलिड, कैन इंडियन सिंपली चूज टू वर्क लॉन्गर आर टू रिप्लेस देयर एक्सपीरियंस, दिस इज़ नॉट ऑब्वियस। तो ये नारायण मूर्ति ने बोला है, आउटपुट डिमांड एंड लेबर, ये सारी बात हुई है। अब देखो, एवर सिंस किन्सियन रेवोल्यूशन, अब ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा ना, किन्सियन के बारे में, ये सारी चीज़ें इन द इकोनॉमिक्स, वी नो दैट द आउटपुट इज़ डिटरमाइंड बाई एग्रीगेट डिमांड। मतलब क्या कहा जा रहा है कि जो आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट क्या करता है, डिटरमाइंड करता है हमारे एग्रीगेट डिमांड को, एग्रीगेट डिमांड को, हाँ, तो डिटरमाइंड आउटपुट डिटरमाइंड करता है एग्रीगेट डिमांड को, विच इज़ डिमांड फॉर द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। मतलब जितना टोटल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस किया जा रहा है इन एन इकोनॉमी, उसकी बात की जा रही है, टोटल गुड एंड, ये याद रखना है यहाँ से लाइन, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड एंड सर्विस की बात की जा रही है जो प्रोड्यूस हो रहा है। डिमांड फॉर लेबर इज इंटायरली डिपेंडेड ऑन दी अपॉन द डिमांड, जो डिमांड है लेबर की वो इंटायरली किस पर डिपेंड होता है, कि कितनी डिमांड है उसके हिसाब से लेबर लगाए जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए। देयर इज़ अ नो डिमांड फॉर लेबर इंडिपेंडेंट ऑफ द डिमांड फॉर गुड्स। फर्म दैट एम्प्लॉय मोर लेबर वाइल एग्रीगेट डिमांड हैज़ नॉट इंक्रीज विल फाइंड देमसेल्फ विद द अनसोल्ड गुड। तो मतलब एक तरीके से जो इंडस्ट्री है, जिस तरह से इकोनॉमी चलती है, ये सारी बातें यहाँ पे की जा रही हैं। अब देखो बात क्या होगी, अभी ये चल रहा है कि स्टेटमेंट या सेगमेंट क्या है मिस्टर नारायण मूर्ति का, इज़ नो डाउट फैमिलियर विद, या क्या चीज़ें चल रही हैं, फिर उनको काउंटर क्या किया गया। अब यहाँ पे क्या करता था, अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री एंड एक्सपीरियंस ऑफ जर्मनी एंड जापान इन एंड साउथ कोरिया। मतलब बोल रहे हैं कि जर्मनी, जापान और साउथ कोरिया की बात करें, ऐड क्लैरिटी टू द कॉन्टेक्स्ट इन विच रीसेंट प्रपोजल दैट इंडियन वर्क फॉर 70 आवर अ वीक वॉज फ्रेम्ड। केस ऑफ साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की बात अगर हम यहाँ पे करें तो कहा जा रहा है, दो इट वॉज नॉट मैंशनड बाई मिस्टर नारायण मूर्ति अनदर इकोनॉमी दैट शो लॉन्ग वर्किंग आर। मतलब साउथ कोरिया में भी लॉन्ग वर्किंग आर होते हैं, ठीक है, इन दिस पीरियड वॉज साउथ कोरिया। सम ऑफ इट्स फीचर आर सिमिलर टू दोज दैट हैड प्रिवेल्ड इन जर्मनी एंड जापान। सम मतलब बोले जा रहे हैं कि कुछ चीज़ें तो जर्मनी एंड जापान जैसी ही वहाँ पर भी की जा रही हैं। इट टू वॉज रिकवरिंग फ्रॉम अ वॉर, ठीक है, वो भी रिकवर किया है वॉर से थ्रू अ डिफरेंट वन, एंड इट्स बीन रिसर्जेंस वॉज सपोर्टेड बाई कंसिडरेबल फॉरन एड रिसीव फ्रॉम द US, विच इट वॉज एन ally। तो मतलब एक तरीके से बोल रहे हैं कि उन्होंने साउथ कोरिया का एग्जाम्पल नहीं दिया, ये क्या चीज़ें चल रही हैं। इस तरह की हमको बहुत बार साउथ कोरिया, ये सब सारी एग्जाम्पल, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया क्या होनी चाहिए, इस पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे डज इट मीन दैट देयर इज़ एन आयरन लॉ ऑफ मार्केट पिनिंग एज डाउन हेल्प्स लेसली टू हाई अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू लो एग्रीगेट डिमांड इन इंडिया। एग्जाम्पल अदर कंट्रीज़ का दिया गया, जैसे कहा जा रहा है, हियर द एक्सपीरियंस ऑफ साउथ कोरिया इज relevant as most of the produce input into production are available to all countries via trade. A country competitiveness is ultimately determined by the productivity of workforce and physical infrastructure that is complement labor. तो मतलब ये बताया जा रहा है। अब देखो, ये हमने डिस्कस तो कर लिया, पर मुझे ऐसा लगता है, मेकिंग सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट चैलेंज की जो बात की जा रही है, हमें इस जो ये आर्टिकल दिया गया है, एक प्रस्पेक्टिव दिया गया है कि किसी ने क्या बोला, फिर उसको काउंटर किसी ने क्या किया। हमें जब कोई भी चीज़ देनी होगी, आंसर लिखना हो या कुछ भी, जैसे एम्प्लॉयमेंट चैलेंज की बात करी गई है, तो हमें वो किसी भी स्टैंडर्ड बुक से उठाने होंगे,
सम टाइम। और हाँ, हमको क्या करना है, कुछ चीज़ें हम इसमें से मेंशन कर सकते हैं, जैसे कुछ कंट्रीज़ का नाम लिया गया है, क्या चीज़ें हैं कंपैरिजन के तौर पे कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में कंक्लूड करेंगे वे फॉरवर्ड देके कि हम क्या कर सकते हैं। सही, फैक्ट चेक यूनिट दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इशूड एन ऑर्डर रिसेंट टू सेटअप अ फास्ट चेक यूनिट। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, जैसे फैक्ट चेक यूनिट, ठीक है, फैक्ट को चेक करने के लिए यूनिट, कहाँ पे क्या बात हो रही है, ये तमिलनाडु ने इशू किया था ऑर्डर कि रिसेंटली वो सेटअप करेंगे फैक्ट चेक यूनिट, किस चीज़ के लिए, चेक करने के लिए अक्रॉस ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड अथॉरिटीसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी रिलेटेड होगा गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के। दिस गवर्नमेंट ऑर्डर इज वायलेटिव ऑफ सेवरल फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये किस चीज़ का वायलेशन हो गई, मतलब ये नहीं हो सकता क्योंकि ये वायलेट कर रही, वायलेटिव है ये वेरियस या सेवरल फंडामेंटल राइट के, जो गारंटी किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, एंड इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल वेग एंड आर्बिट्री। ये लाइन यहाँ से याद रखनी है आपको, क्या हाईलाइट कर देती हूँ मैं यहाँ डिफरेंट कलर से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वेग एंड आर्बिट्री है। तो ये लाइन याद रखनी है कि जैसे अगर फैक्ट चेक यूनिट के बारे में आ जाए तो ये आपको याद रखनी है कि हाँ मतलब ये क्यों नहीं सही है, क्योंकि ये वायलेट कर रही है फंडामेंटल राइट को, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वेग है एंड आर्बिट्री है। अर्लियर दिस ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अमेंडेड, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, हैड अमेंडेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 को, क्या किया था, अमेंड किया था, सेटअप किया एक फैक्ट चेक यूनिट, किस चीज़ के लिए, फेक फॉल्स एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ एनी बिजनेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए उसने किया था। दीज रूल वर चैलेंज बिफोर दी बॉम्बे हाई कोर्ट, इसको बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया एंड जजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी डिलीवर्ड ऑन दिसंबर 1। अब ये जो जजमेंट इस पर आने वाली है वो दिसंबर 1 को आएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव एन अंडरटेकिंग टू हाई कोर्ट दैट दी फैक्ट चेक्ड यूनिट विल नॉट बी नोटिफाइड अंटिल विल नॉट बी नोटिफाइड अनटिल दी जजमेंट। तो अभी तक इस पर कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जजमेंट आनी बाकी है, दिसंबर 1 को आएगी। इवन दो गवर्नमेंट हैज़ अ पासिंग रेफरेंस टू दिस प्रोविजन ऑफ आईटी रूल, इट डज नॉट डिस्क्लोज अंडरटेकिंग गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बॉम्बे हाई कोर्ट। ये हो गया, स्कोप क्या है तमिलनाडु यूनिट का, ये बात करेंगे यहाँ पे। ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इशूड बाई द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु सेज दैट द फैक्ट चेक यूनिट विल चेक दी वैरिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, वो चेक करेगी जो भी रिलेटेड होगा अनाउंसमेंट के, पॉलिसीज के, स्कीम के, गाइडलाइंस एंड इनिशिएटिव के एंड गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। एंड एज थर्ड ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ मोर डिटेल्स इन द यूनिट फंक्शन। तो मतलब एक तरीके से आप यही जान लो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ऑर्डर वायलेट सेवरल फंडामेंटल राइट्स, तो आपको ये जाननी है यहाँ से। सुओ मोटो की बात करी जा रही है, ये सारी चीज़ें लक्ष्मीकांत में दी गई हैं, आई होप कि सबने पढ़ रखी होगी, पर जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा, आपको लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ना है और एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, 3-4 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहले फर्स्ट रीडिंग आपको करनी है, आपको फर्स्ट रीडिंग ऐसे ही करनी है, सेकेंड रीडिंग पेंसिल से करो, थर्ड रीडिंग हाईलाइटर से करो। ओके, तो क्या कहा जा रहा है, द फैक्ट चेक यूनिट हैज़ गिवन पावर टू टेक सुओ मोटो। तो बताए उसमें जो फैक्ट चेक यूनिट है वो क्या कर रहा है, मतलब उसमें क्या पावर है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस का, सोशल मीडिया पोस्ट आर्टिकल्स दैट रिक्वायर्ड फैक्ट चेक, कि जिसमें ज़रूरत है फैक्ट चेकिंग, क्या ये फॉल्स न्यूज़ है या सही है। नीडलेस टू से इट कैन ऑल्सो एक्ट ऑन कंप्लेन रिसीव बाई देम फ्रॉम एनी वन, कि जैसे कोई भी कंप्लेन आया तो उसको वो चेक करेंगे। आइडेंटिफाई कंप्लेंट्स आर रिसर्च यूजिंग वेरियस फैक्ट चेक टूल्स एंड वेरीफाइड थ्रू गवर्नमेंट सोर्स सच एज वेबसाइट, प्रेस रिलीज एंड गवर्नमेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स, तो उसे चेक करेंगे कि क्या ये अफवाह है या ये सच बात है। इसमें आर्टिकल 19(1) की बात की गई है, देयर इज नो डाउट दैट इट्स क्रिएट चिलिंग इफेक्ट, तो ये चिलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पहली चीज, फंडामेंटल राइट गारंटी किया गया आर्टिकल 19(1)(a) में कॉन्स्टिट्यूशन के, दिस कैन ओनली बी रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2। इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफॉर्मेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इतनी चीज़ें हैं। आर्टिकल 19(2) की बात की जा रही है, कैन ओनली बी बाय द वे ऑफ द लॉ, कि लॉ के माध्यम से ये चीज़ें की जा सकती हैं। सारी चीज़ें हमने यहाँ से देख ली हैं, जो भी चीज़ें हैं हमारी कि हमें जानना जरूरी है। अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो आई होप कि इतनी बार हमने डिस्कस किया है फैक्ट चेक यूनिट पे, एक बार और हम कर चुके हैं, तो आप पूरी चीज़ें वहाँ पे लिख सकते हो।
पहले आपको स्टार्ट करनी है फैक्चुअल यूनिट के बारे में, किस तरीके से आप फिर सेंटर पे लाया गया। अभी जैसे हम इस पे पूरी जो चीज़ें हैं वो तब क्लियर हो जाएगी जब दिसंबर 1 को जजमेंट आ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं फेवर में हैं कि नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश गारमेंट वर्कर अनरेस्ट, अब ये वाला भी हमने ऑलरेडी पढ़ा पर फिर से आया हुआ है। बांग्लादेश वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है फास्ट फैशन का, ये लाइन याद रखनी है आपको कि बांग्लादेश वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फास्ट फैशन और RMG किसके बाद, आफ्टर चाइना। 85% कंट्री की जो एक्सपोर्ट अर्निंग है वो $55 बिलियन 2022 में रही। 4000 ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ RMG सेक्टर में रही, लार्जली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस SMEs में, मेनली एम्पावरिंग रूरल वुमेन। गारमेंट की बात करें, पता है आपको कपड़ों की बात हो रही है, गारमेंट वर्कर यूनियन ने रिजेक्ट किया है मोर देन 50% रेज इन मिनिमम वेज प्रपोज बाई दी शेख हसीना गवर्नमेंट अर्लियर दिस मंथ, सेइंग इट इज़ टू लिटिल टू लेट, मतलब वो और चाहते हैं। दे हैव स्टक टू देयर डिमांड ऑफ नथिंग शॉर्ट ऑफ BDT 23,000 विच दे प्रपोज इन अप्रैल दिस ईयर वेन मिनिमम वेज नेगोशिएशन जब शुरू हुआ था तो उस समय उन्होंने 23,000 की मांग वहाँ पर रखी थी। ये आपको जानना चाहिए कि अगर ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो हम थोड़ी बहुत उस पर नज़र रखें अपनी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज बेनिफिट टू सिक्योरिटी ऑफ इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी की बात इन्होंने यहाँ पर डिस्कस की है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं रिचर्ड दोनों के बीच में क्या हुआ, बायलेटरल टॉक हुआ मंडे को। दे अंडरस्कोर एनहेंसिंग कोऑपरेशन फर्दर इन द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, तो ये सारी चीज़ें हुई। मिस्टर सिंह एम्फेसाइज दैट द फोर्सेस ऑफ टू कंट्रीज शुड ऑल्सो लुक एट कोऑपरेटिंग इन नीज ट्रेनिंग लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंटी सबमरीन एंड एंटी ड्रोन वॉर पे भी काम करें साथ में एंड साइबर डोमेन पे भी, तो ये सारी बातें हुई। बायलेटरल मीटिंग जो हुई वो साउथ ब्लॉक हेल्ड एट साउथ ब्लॉक बिफोर 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग के पहले ये किया गया। ट्राई सर्विस रिव्यू किया उन्होंने, ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर बिफोर दी स्टार्ट ऑफ मीटिंग, तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता ही हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे, ड्राफ्ट नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल रिलीज्ड, तो ड्राफ्ट नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल रिलीज हुआ है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने मंडे को क्या किया, इनवाइट कमेंट फ्रॉम पब्लिक से कमेंट और स्टेक होल्डर से, किस चीज़ पे, प्रपोज्ड नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023 पे। द मिनिस्ट्री प्रपोज टू फाइनलाइज द बिल फॉर सेटिंग अप नेशनल फार्मेसी कमीशन एंड रिपीलिंग द फार्मेसी एक्ट 1948। देखो कोई भी चीज़ जब आती है ना तो कुछ रिपील भी की जाती है, मतलब अगर नया कुछ आएगा तो पुराने को रिपील करके नया लाएंगे ना, तो उसी की बात हो रही है। पर हमें ये याद होना चाहिए कि किस चीज़ को रिपील किया जा रहा है, या रिपील कर रहा है नेशनल फार्मेसी कमीशन जो है वो रिपील कर रहा है फार्मेसी एक्ट 1948 को, ये लाइन याद रखनी है। एम क्या है इस बिल का, इम्प्रूव करना अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी फार्मेसी एजुकेशन और इंश्योर करना अवेलेबिलिटी ऑफ फार्मेसी प्रोफेशनल नेशन वाइड, ठीक है। बिल ये क्या करेगा, इनकरेज करेगा प्रोफेशनल को इंटीग्रेट करने के लिए लेटेस्ट रिसर्च के लिए और कंट्रीब्यूट करेगा रिसर्च और हाई एथिकल स्टैंडर्ड में। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज के लिए हमको डिस्कस करनी थी। फिर वर्ल्ड का पेज आ गया है, इसके बाद स्पोर्ट्स का ये सब है, तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ से डिस्कस कर ली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, और हाँ साथ ही साथ आप CSAT का वीडियो अच्छे से देखिए, लोगों को शेयर करिए और ढेर सारा उसमें लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।